हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है, ये बेसिकली यहाँ पर इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्कॉलरशिप टाटा ट्रस्ट के द्वारा दी जा रही है और ये दी जाएगी सिर्फ 22-23 जो अभी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए दी जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, ये है बेसिकली बेस्ड ऑन नीड। दिस स्कीम ऑफर्स पार्शियल असिस्टेंट टू कॉलेज मतलब टिल ग्रेजुएशन तक, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम वालों के लिए नहीं है ये ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो कि 8th ऑनवर्ड्स, क्लास 8th के ऊपर पढ़ रहे हैं, उनके लिए है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, मस्ट प्रूव दैट फीस हैव बीन पेड। द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन इज 31 जनवरी 2023, ठीक है, 2023 31 जनवरी तक है। अगर आपने अभी तक, मान लो आप स्कूल से पास आउट हो, आपने एडमिशन नहीं लिया है और आप वेट कर रहे हो एडमिशन्स का, तो आप वेट कर लो, जब आपको एडमिशन मिल जाए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है, तो आप ध्यान से देखिएगा क्या दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि स्टूडेंट शुड अप्लाई फॉर करंट एकेडमिक ईयर, मतलब कि आप 2022-23 में ही पढ़ रहे हैं और इसी ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज और स्कूल लोकेटेड विद इन मुंबई, याद रखिएगा विद इन मुंबई या मुंबई सब अर्बन एरियाज, वो ही एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए, मुंबई में हो या मुंबई अर्बन सब अर्बन एरियाज में। एंड स्टूडेंट्स जो है उन्हें सिक्योर करा हो एटलीस्ट पास क्लास इन देयर प्रीवियस एग्जामिनेशन, मतलब वो फेल नहीं होने चाहिए, 80-80 नहीं होनी चाहिए उनको किसी भी सब्जेक्ट में। और मैक्सिमम अगर दो चिल्ड्रन है तो मैक्सिमम घर के दो बच्चे भर सकते हैं, अगर 3-4 भाई हैं तो सभी नहीं भर सकते हैं, दो बच्चे भर सकते हैं सेम फैमिली से। और अगर आप ऊपर मेंशन जितने भी क्राइटेरियाज में फिट आते हो तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यहाँ पे ये दो लिंक दी गई हैं, फॉर स्कूल स्टडीज़ एंड फॉर कॉलेज स्टडीज़, दोनों के लिए दी गई हैं। तो अगर आप कॉलेज स्टडीज़ हैं तो फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये ओपन हो रही है लिंक। मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दे रही हूँ कि कैसे कैसे जो है फॉर्म फिल करना है और क्या प्रोसीजर होगा। ओके, तो ये यहाँ पे लिस्ट ओपन हो गई है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है और यहाँ दिया हुआ है कि आपको सारी डिटेल्स एक बार पढ़ लेनी है। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल ऑल द क्वेश्चंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर इनकम्प्लीट है तो वो जो है फॉर्म वो हो जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली एक बार फिल करने के बाद पे सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है और एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मल्टीपल फॉर्म आएगा तो अगेन वो जो फॉर्म होगा वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। और सबमिट होने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी कॉपीज जो हैं इस ईमेल आईडी पर सेंड करनी है पीडीएफ बना के, ठीक है, एज एन अटैचमेंट। अटैचमेंट का ऑप्शन रहता है ईमेल में, तो आप वहाँ क्लिक करके पीडीएफ के फॉर्म में ये अटैच करके भेज देंगे, ठीक है। अटैचमेंट सेंड थ्रू ड्राइव और लिंक वो एक्सेप्टेड नहीं है, अगेन आपको पीडीएफ में ही भेजना है, ठीक है। और ईमेल आईडी यहाँ पे 24 घंटे आपने फॉर्म भरा है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपके ईमेल का, मीन ग्रांट रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, और स्टूडेंट का नेम 2022-23, ये आप सब्जेक्ट में लिखेंगे। और डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के बाद मिलते हैं तो अगेन आप फिर यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। अनक्लियर, इल एलिजिबल, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्टेड नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो बड़े ध्यान से आप आराम से फॉर्म भरिएगा और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर तरीके से पीडीएफ बना के शेयर कर देना, ठीक है।
और अदर जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है स्टूडेंट्स हुज फीस आर कवर्ड बाय एनी अदर इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट आर नॉट एलिजिबल। मान लो कोई और आपका ट्रस्ट या फिर कोई और आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा मिलती है ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आप अगेन इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। एंड द डिसीजन ऑफ द ट्रस्ट विल बी फाइनल एंड करस्पॉन्डेंस और कोई भी इससे रिलेटेड एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एंड टाटा ट्रस्ट डू नॉट हैव एनी इंटरमीडियरी एजेंट, कोई एजेंट्स नहीं है इनके कि कोई आपके पास आके बोले कि हम इनके बिहाफ में हैं या कुछ भी बातें, तो ये ध्यान रखना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्टली इसी के थ्रू आपका फॉर्म ले रहे हैं और डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, ठीक है। और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, अटेस्टेड मार्कशीट, अटेस्टेड मार्क सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, आपके खुद के साइन होने चाहिए आपके मार्कशीट्स पर। फैमिली का इनकम प्रूफ होना चाहिए, लेटेस्ट पे स्लिप या फिर इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, फी रिसिप्ट होना चाहिए आपके एकेडमिक ईयर की, ठीक है। प्लीज नोट, सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट और डॉक्यूमेंट टू द ट्रस्ट डज नॉट गारंटी अ पॉजिटिव आउटकम। आप ये मत सोचना कि आपने फॉर्म डाल दिया तो ज़रूरी आपको ही स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसा नहीं है। पर हाँ, आपके सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में अगर आप फिट आते हो स्कॉलरशिप के लिए तो वो आपको स्कॉलरशिप ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये फॉर्म है, इसको आपको फिल करना है, 8 पेजेस का फॉर्म है, देख के आप जो जो मांगा है वो आप भर सकते हैं। इसके बाद में ये था कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका भी लगभग सेम ही है पूरा, कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, फिर भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी इसमें अलग से नहीं दिया है, वही सब्जेक्ट आपको लिखना है, एक सिंगल पीडीएफ बना के मेल करना है और सेम चीज़ लिखी है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप आपको मिल रही है नहीं मिल रही है दैट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया, और फिर ट्रस्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेक करके आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जैसे ही कोई भी दूसरे स्कॉलरशिप्स का अपडेट आता है, स्टेट्स का स्कॉलरशिप है या फिर ऑल इंडिया का स्कॉलरशिप है, जैसा भी स्कॉलरशिप होगा उसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और स्कॉलरशिप्स का मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप उसको चेक करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।